अरे बच्चों, आज हम लीनियर अलजेब्रा के एक महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे और वो है डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम। पिछले वीडियो में हमने आपको एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ाया था, तो एग्जिस्टेंस थ्योरम के बाद इनवेरियंस, एक्सटेंशन। लेकिन अब चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आज हम लोग जो है डायरेक्ट सम का डायमेंशन देखेंगे और फिर इसी के बाद आपको हम डायमेंशन ऑफ लीनियर सम भी बताएंगे। तो थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन थ्योरम का काम पड़ता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट इसका यही है कि इफ डब्लू वन एंड डब्लू टू आर सब स्पेसेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V over the field F such that कि V equal to W1 in circle plus W2 means B is direct sum of W1 and W2, तो then जो dimension V होता है वो dimension W1 plus dimension W2 के बराबर होता है। ये भी कह सकते हैं या ये भी कहा जा सकता है कि डायमेंशन W1 इन सर्कल प्लस W2 माने डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस की बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो चूंकि वेक्टर स्पेस V फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इसका मतलब इसका जो सब स्पेस W1 और W2 है वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होंगे। तो अब हम सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग करेंगे प्रूफ के लिए, उसमें हमने अपने मन से W1 और W2 की बेसिस हम मान लेंगे। W1 की बेसिस मान लीजिए अपने मन से हमने उसमें n एलिमेंट मान लिए, W2 की बेसिस में M एलिमेंट मान लिए। तो W1 की बेसिस में अगर M एलिमेंट हुआ और W2 की बेसिस में N एलिमेंट हुआ, तो W1 का डायमेंशन हो गया M और W2 का डायमेंशन हो गया N। और मुझे लाना है कि V का डायमेंशन दोनों के डायमेंशन का सम, अर्थात B की बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे M प्लस N। तो यही हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रख के चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर यही कहेंगे कि लेट यस वन इक्वल टू, अपने मन से एक सेट हमने कंसीडर कर लिया, अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा, चलो यम कह लेते हैं, एंड यस टू इक्वल टू बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट बीटा यम। ये हमने बेस माना किसके? बी बेसिस ऑफ डब्लू वन एंड डब्लू टू रेस्पेक्टिवली, दोनों की हमने बेसिस मान लिया। इसका मतलब ये है कि जो W1 का डायमेंशन है वो M के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बेसिस ऑफ W1, और W2 का जो डायमेंशन होगा वो N हो जाएगा। जो मुझे सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग B का डायमेंशन मुझे लाना है M प्लस N। इसका मतलब B को आप जानते हैं बेसिस, बेसिस वह नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरी बात वो सेट बी को जनरेट करता हो। तो हमें ये भी साबित करना है कि जो बी का डायमेंशन हो वो यम प्लस यन के बराबर हो। तो मुझे यहां पर यम वेक्टर और यन वेक्टर भी पता है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दो इन्हीं वेक्टर्स को रखने वाला एक सेट, चूंकि ये जो आपका यस वन यस टू है ये भले W1 W2 की बेसिस हैं, लेकिन ये सब B के भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हैं, तो इसलिए ये सब B के भी वेक्टर्स हैं। तो अपने मन से हमने एक सेट कंसीडर किया, लेट कैपिटल S बराबर, अपने मन से सेट जो माना उस सेट में इन्हीं लोगों को रख दिया, अल्फा वन से लेकर अल्फा यम तक और बीटा वन से लेकर के बीटा यम तक। ये कहां का सबसेट है? बी इज सबसेट ऑफ बी। इसमें मानने की क्या जरूरत है? बी का एक सबसेट है। अब हम ये दिखा देंगे कि हाँ ये जो सेट है
ये बी की बेसिस है। तो बी की बेसिस होने के लिए दो कंडीशन, ये सेट बी को जनरेट कर सके और दूसरी बात ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तब जाकर के ये बी की बेसिस को फॉर्म कर पाएगा। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि हाँ ये बी को जनरेट करता है। जनरेट करने का मतलब ये है कि बी का चाहे जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लीजिए वो इसी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ यस। तो अपने मन से हमने एक एलिमेंट कह दिया, लेट गामा बिलोंग बी, बी आर्बिट्रेरी। अपने मन से हमने गामा नाम का एलिमेंट माना बी का, वो भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया। अब आप यहां देख रहे हैं कि v जो है वो w1 और w2 का डायरेक्ट सम है। इसका मतलब हुआ डायरेक्ट सम की डेफिनेशन से v, एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ w1 एंड एन एलिमेंट ऑफ w2। यानी v का हर एक एलिमेंट w1 और w2 के एलिमेंट के जोड़ के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और जहां आपका अल्फा तो रहेगा w1 का और जो ये बीटा है वो w2 का एलिमेंट होना चाहिए। और ये एक्सप्रेशन भी यूनिक होता है क्योंकि ये डायरेक्ट सम है। अब यहां से आप देखो, चूंकि अल्फा एलिमेंट कहां का है, w1 का, और w1 की बेसिस कौन है, ये देखिए साफ साफ लिखा है s1, एंड s1 इज बेसिस ऑफ w1। तो अगर s1 बेसिस है w1 की तो s1 के अंदर भी दो प्रॉपर्टी होगी, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट की और एक ये w1 के हर एलिमेंट को जनरेट करेगी। w1 का ही एलिमेंट आपका अल्फा है, इसका मतलब अल्फा बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s1। अब s1 आपको ये दिखाई दे रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जितने वेक्टर हैं उतने स्केलर से गुणा करके जोड़ दीजिए। तो आप यहां चाहे तो समेशन का यूज कर सकते हैं, समेशन i बराबर 1 2 कितना m, अपने मन से यहां लिख दीजिए ए आई अल्फा आई। आगे लिख सकते हैं जहां ए आई कहां से बिलोंग करता है, फील्ड से। इसी तरह फिर से एक बार जो बीटा है, देखिए बीटा वो w2 का मेंबर है, एंड s2 जो है इज बेसिस ऑफ w2। इसका मतलब बीटा बराबर क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ s2। अब s2 ये बगल में ही लिखा है, कॉम्बिनेशन बना लीजिए। यहां पर देखिए n एलिमेंट्स है तो n वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, अपने मन से j इक्वल टू 1 टू n कर दीजिए और बोल दीजिए bj बीटा j, और जहां bj कहां से बिलोंग कर रहा है, फील्ड से। इस बीटा का और इस अल्फा का ये दोनों मान उठा के यहां पे लाकर पुट कर दीजिए। तो जैसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू ले जाकर के हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर इक्वेशन तो हम नहीं माने हैं, यहां लाके पुट करेंगे अल्फा और बीटा का मान। देखिए गामा बराबर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो आई इक्वल टू वन टू एन एम है शायद ए आई अल्फा आई, और प्लस इसको लिख सकते हैं सिग्मा जे इक्वल टू वन टू एन, और ये है बी जे बीटा जे। अगर आप इसको खोल दीजिए तो ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू, ए एम अल्फा वन, बी वन बीटा वन, बी टू बीटा टू, बी एन बीटा एन। आप बताइए इस समय इस यस के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन आ गया कि नहीं, यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। ये मौके पर है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यस, और यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ, देखिए हमने जो गामा एलिमेंट माना था वो बी का आर्बिट्रेरी माना था, और गामा जो है वो क्या बोलते हैं यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो चूंकि गामा जो है वो बी का आर्बिट्रेरी था,
इसका मतलब है B का चाहे जो भी एलिमेंट हम मानेंगे वो S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं कि S जनरेट्स B, माने S ही B को जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि B का चाहे जो एलिमेंट हम मानेंगे, चूंकि हम आर्बिट्रेरी माने थे, जब आर्बिट्रेरी हो गया तो इसका मतलब हर कोई हो गया। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ यस, इसका मतलब हुआ यस जनरेट्स वी, यस ही वी को बनाता है, दैट इज एल एस बराबर वी। याद करें बेसिस की दो कंडीशन होती है, पहली होती है, अब चाहे जो पहली कह लीजिए, चाहे कहिए लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने को पहली कहेंगे और चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, दोनों बात देखिए। अब हम इस सेट को दिखाएंगे कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कौन सा सेट? कैपिटल यस। कैपिटल यस को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना बहुत ही आसान बात है, जितना आपके पास वेक्टर है उतने स्केलर मानिए, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर करिए, सारे स्केलर्स अगर जीरो आ जाते हैं तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक भी स्केलर अगर कम से कम ऐसा हो गया कि वो नॉन जीरो है तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहां पर आप कॉम्बिनेशन बनाए ही है, कोई जरूरत नहीं है, अपने मन से कह दीजिए लेट समेशन, वही ले लीजिए आई इक्वल टू वन टू एम ए आई अल्फा आई प्लस समेशन जे इक्वल टू वन टू एन, चाहे तो आप स्केलर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी जे बीटा जे इक्वल टू हो गया जीरो, हमने जीरो माना। हम ए वन से लेकर ए एन तक और बी वन से लेकर बी एन तक सबको जीरो दिखा देंगे। यहां से देखिए समेशन आई इक्वल टू वन टू एम ए आई अल्फा आई बराबर समेशन जे इक्वल टू वन टू एन माइनस बी जे और बीटा जे। अब देखिए था ये मौके पर जो ये लाइन लिखी है ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ यस वन, तो इसका मतलब है डब्लू वन का मेंबर। ये लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ यस टू, यस टू डब्लू टू के बेसिस है तो ये डब्लू टू का मेंबर, ये डब्लू वन का मेंबर, ये डब्लू टू का मेंबर। आप कहेंगे जो आई बराबर वन टू एम लिखा है ए आई अल्फा आई, ये क्या लिखा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यस वन। इसका मतलब ये हो गया कि समेशन आई बराबर वन टू एम ए आई अल्फा आई डब्लू वन से बिलोंग किया, इसी तरह समेशन जे बराबर वन टू एन माइनस बी जे और बीटा जे ये बिलोंग कर गया डब्लू टू से। क्यों? क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ यस टू है। तो समीकरण नंबर दो से अगर देखा जाए तो देयर फोर फ्रॉम टू हम चाहें तो समेशन आई इक्वल टू वन टू एम ए आई अल्फा आई इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू वन टू एन माइनस बी जे बीटा जे। देखिए ये डब्लू वन का एलिमेंट, ये डब्लू टू का एलिमेंट, दोनों एक दूसरे के बराबर, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन का एलिमेंट। आपने डायरेक्ट सम में पढ़ा है कि अगर बी डायरेक्ट सम होता है तो डब्लू वन और डब्लू टू का, तो डब्लू वन और डब्लू टू हमेशा डिसजॉइंट सब स्पेसेज होते हैं। डिसजॉइंट सब स्पेस होने का मतलब उनके बीच में केवल जीरो कॉमन होता है। आप कहेंगे कि चूंकि जो वी है वो डब्लू वन डायरेक्ट सम डब्लू टू है, बीस डायरेक्ट सम ऑफ डब्लू वन डब्लू टू है, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में जीरो होता है, केवल और केवल जीरो इंटरसेक्शन में, ये बात भी प्रूफ होती है। इसका मतलब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, इसका मतलब समेशन आई बराबर वन टू एम ए आई अल्फा आई बराबर जीरो। अब आप सोचो इस समय ये जीरो होने का मतलब यस वन का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, और चूंकि यस वन बेसिस है तो बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, चाहे जो कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर करेंगे सारे गुणांक जीरो होंगे, यानी ए आई बराबर जीरो फॉर ईच आई एक से लेकर कहां तक एम तक। इसी तरह ये भी जिसका नाम जे बराबर वन टू एन है माइनस बी जे बीटा जे, पहले तो ये भी जीरो के बराबर होगा।
अब ये S2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है और S2 बेसिस है, तो चाहे जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर होगा वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के नाते ये कैसे जीरो हो गया, ये कैसे, क्योंकि यहां पर रीजन लिखा जाएगा S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी तरह BJ बराबर भी जीरो होगा फॉर एवरी J का मान भी एक से लेकर N तक, रीजन इसका भी यही लिखा जाएगा कि S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब देखिए A1 से लेकर AM तक और B1 से लेकर BN तक सारे गुणांक जीरो। तो अगर हम समीकरण नंबर एक पर आते हैं तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट बताइए समेशन I इक्वल टू 1 टू M AI अल्फा I और समेशन J इक्वल टू 1 टू N BJ और बीटा J को हमने अगर जीरो किया तो हमको यहां से A1 बराबर 0, A2 बराबर 0 से लेकर के AM बराबर 0 मिल गया, B1 बराबर 0, B2 बराबर 0 और डॉट डॉट BN बराबर 0। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन आप 0 के बराबर करते हैं और सारे के सारे स्केलर 0 आ जाते हैं तब उस कंडीशन में उस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। इसका मतलब आपका जो सेट कैपिटल S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब मौके पर आप यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर कैपिटल S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही बगल में ही लिखा है LS बराबर V। अब देखिए S V को जनरेट भी करता है, S लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, दोनों बातों को मिलाकर लिख सकते हैं देयरफॉर S इज ए बेसिस ऑफ V। S जो है वो V की बेसिस है, इसका मतलब जो V का डायमेंशन हुआ वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S और S में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, M प्लस N, M था डायमेंशन W1 का और N है डायमेंशन W2 का। और यही थी आपकी डायमेंशन ऑफ लीनियर सम की थ्योरम का प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन ऑफ सॉरी ये डायरेक्ट सम का प्रूफ था, नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन ऑफ लीनियर सम को प्रूफ करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां जो हमने ए आई और बीजे सेम ले लिया है आप कुछ भी कर सकते हैं, यहां पर आप सी आई कर दीजिए, यहां डीजे कर दीजिए, पी आई कर दीजिए, क्यूजे कर दीजिए, कुछ भी मान सकते हैं स्केलर्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन ऑफ लीनियर सम को लाते हैं।